चप्पल्स। इस चैप्टर में क्या होता है, नीतू इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद टफी। क्या होता है, नीतू एक यंग गर्ल है जो क्या करती है, मद्रास से आती है कहां पर, टफी हर ग्रैंड मदर उसकी कहां पर, ग्रैंड मदर पर घर पर, एंड तथा हर ग्रैंड फादर, और उसकी ग्रैंड फादर कौन है, तथा वन आफ्टरनून टफी टेक्स हर टू हर आंट रुकू मनीस हाउस। क्या होता है, एक दिन क्या करते हैं, शाम के टाइम वो उसकी आंट के घर पर जाती है रुकू मनीस के हाउस पर, मीट हर कजिन्स लली रवि एंड मीना। क्या करते हैं वो लोग वहां पर जाके उसके कजिन्स से मिलते हैं, लली रवि एंड मीना। कौन कौन मिलते हैं, ब्रिदु लली रवि एंड मीना। अंधीरू उनके घर पर जाती है उनसे मिलने, तो वहां पर क्या देखती है, घर का बाहर वहां पर बहुत सारी घर के बाहर चप्पल्स पड़ी होती है, स्लीपर्स पड़ी होती है बहुत सारी। तो ब्रिदु देखती है कि वहां पर एक ब्लैक कलर की बड़ी सी चप्पल होती है जो थोड़ी डस्ट में गंदी हुई होती है और बहुत ज्यादा पुरानी सी घिसी हुई और उस पर पैर भी छूट जाते चप्पलों के, ऐसी गंदी सी चप्पल वो वहां देखती है। फिर वो उसके कजिन से मिलती है अंदर जाकर, और जो रवि होता है वो उसे उसके घर के बैक साइड में गार्डन पर लेकर जाता है। वहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां एक शटर के नीचे पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है और कोकोनट शेल से क्या कर रही होती है, दूध पी रही होती है। अब लोग जब नीतु वहां पर उस कैट का ऐसे बैठे हुए देखती है और शेल्टर में देखती है, तो वो पूछती है रवि से कि यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई और इसने दूध पी रही है। तो रवि जो है वो उसे बताता है कि हमारी मम्मा ने हमको मना किया ऐसे घर में रखने के लिए, क्योंकि हम अगर इसे घर में रखेंगे तो हमारी जो ग्रैंड मदर है वो क्या होगी, गुस्सा हो जाएगी और वो उनके मामा जी के वहां के घर चले जाएंगे, इसलिए हमने इस कैट को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। तो जो रवि होता है वो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि हमने यहाँ पर इस कैट को छुपा कर रखा हुआ है और मैं इसके खाने के लिए भी इसके लिए दूध भी छुपा कर लेकर आता हूँ, तो मेरी ग्रैंड मदर जो है उन्हें डाउट भी होता है काफी टाइम के ये रोज रोज दूध देकर कहाँ पर जाता है। बट वो क्या करता है, उसकी ग्रैंड मदर से बोल देता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और जो दूध का ग्लास होता है वो चुपके से लेकर आता है और उसके जो कोकोनट शेल होता है उसमें वो दूध डाल देता है और ले जाता है वापस से नौकर दे देता है ताकि उसकी ग्रैंड मदर को डाउट ना हो। उसके बाद जब मृदु उनसे पूछती है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसे रखी हुई है, तो वो जो रवि रहता है वो सारी स्टोरी बताता है कि ये जो कैट है ये बहुत पुरानी कैट है, ये राजा महाराजा क्या की कैट है और ये है ना बहुत ज्यादा मतलब इसकी बहुत वैल्यू है और ये बहुत लकी है और बहुत अच्छी कैट है, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। पुराने टाइम में इसकी बहुत मतलब पूजा वूजा करते थे लोग और ऐसा ऐसा वो मन से हर कुछ स्टोरी बनाकर सुनाने लग जाता है। तो जब मृदु रहती है उसे भी लगता है कि ये तो हर कुछ अच्छे बोल रहा है और वह बोलता है कि ये तो हम लोग गए थे एक जगह तो वहां से शिक्षा बैठ कर वह हमारे साथ आ गई तो हमने उसे छुपा कर रख लिया, लेकिन ग्रैंड मदर हमें इसे रखने से मना कर रही थी तो हमने इसे छुपा कर रखा हुआ है पीछे। ऐसे तो अपने घर वाले बड़े लोग बोलते हैं पेरेंट्स वगैरह कि हमें एनिमल्स को ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए, बट अगर हम घर पर ना किसी को भी पेट को रखो तो सब चिल्लाते हैं कि नहीं यहाँ पर गंदा करेगा, इसका कौन ध्यान रखेगा,
बाद देखेगा, इसलिए वो उसकी ग्रैंड मदर जो रहती है वो बहुत गुस्सा है होती अगर वो देख लेते हैं, इसलिए वो छुपा कर रखते हैं। देन आगे क्या होता है कि ये सब स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो रवि ऐसे हर कुछ स्टोरी बताता रहता है। फिर जो कैट होती है वो सुन रहती है, वो सब सुन रही होती है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है, और जो रवि रहता है वो क्या कहता है कि ये आवाज तो विंडो साइड से आ रही है, वहां पर लली की क्लास चल रही है, म्यूजिक क्लास चल रही है, तो वहां पर से म्यूजिक क्लास से ये आवाज आ रही है और लली का भी अच्छे से तो म्यूजिक सुन नहीं सकता है, तो वो हर कुछ वॉइस निकाल रहा है। इतना होता है। देन सेकंड पार्ट है कि जब बीडू विंडो की तरफ देखती है तो लली के हाथ में वायलिन होती है और वो ठीक से सीख नहीं रही होती है, और उसके जो मास्टर भी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं वहां पर, और वो उसे म्यूजिक क्लास दे रहे होते हैं, उसे म्यूजिक सिखा रहे होते हैं। फिर ये लोग वापस सुनकर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक जो बैकर हुआ होता है वो आया होता है, उसने पूरे ऑर्डर फैशन टाइप कपड़े पहने हुए होते हैं, मतलब पता है ना आपको को भिखारी कैसा होता है, बिल्कुल वो ऐसी कंडीशन में होता है। तो उधर से बच्चे जो रहते हैं चिल्ड्रंस वो जाके उनके मम्मा को बोलते हैं, रवि जाके उसकी मम्मा को बोलता है कि मम्मा बैगर आया है तो आप इसे खाने के लिए और कुछ स्लीपर्स का दे रहा है, कुछ कपड़े ग्लॉक्स दे दो पुराने जो भी है। तो उसकी मम्मा चिल्ला को बोलती है कि नहीं नहीं अपने को इसको कुछ भी नहीं देना है, ये कब से यही है, अभी से बोलो कि हमारे घर में कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचा है, तुम जाओ किसी और के वहां जाकर कुछ मांगो। तो जो बच्चे रहते हैं वो आकर बोल देते हैं उस बैगर से कि नहीं अब हमारे वहाँ कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, कुछ भी देने से नहीं बचा है, तो तुम किसी और के यहाँ जाकर मांगो। तो बच्चे ऐसा बोलते हैं तो उसे ट्रस्ट नहीं होता है, बैगर जो लेता है कि रोज तो हमको दे रहे थे और आज इन्हें ऐसे कैसे बोलते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं होता है। तो बच्चों उसे कहता है जाओ एक बार और जाके तुम्हारी मम्मी से पूछ लो कि कुछ खाने का या कुछ वेस्ट ब्लॉक तो जो ओल्ड घर पुराने हैं तो वो मुझे दे दो। तो बच्चे वापस जाते हैं अपनी मम्मी के पास और पूछते हैं कि मम्मा वो मांग रहा है तो अगर अपने यहाँ कुछ है तो दे दो। तो उनकी मम्मा जोर से चिल्ला के बोलती है कि नहीं मना किया ना तुम्हें, कुछ भी नहीं है यहाँ, जाओ दूसरे के घर पर जाके मांग लो। तो वो जो बैठा होता है वहां पर बैगर वो उसकी मम्मा की आवाज सुन लेता है, उनकी आवाज बाहर पता चलती है, चिल्ला के दूसरे से बोलते हैं। उसके बाद जब बैगर देखता है कि ये सब चिल्ला रहे हैं तो बैगर बच्चों को भी दया आती है उसमें कि अब ये कहाँ जाएगा, बोल देते बच्चे कि आप दूसरे के वहां जाके मांगो। तो बच्चों से बैगर कहता है कि मेरे पास स्लीपर भी नहीं है और देखो बाहर कितनी धूप हो रही है, कितनी ज्यादा धूप हो रही है, मेरे पैर छेक रहे हैं, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, तो तुम मुझे स्लीपर दे सकते हो। तो रवि जो होता है वो देखता है उसकी ओल्ड स्लीपर्स, बाकी उसकी जो स्लीपर्स होती है वो तो छोटी होती है, वो पैदल तो आती ही नहीं है। तो बच्चे पुराने ओल्ड स्लीपर्स ढूंढते रहते हैं थोड़ी सी, फिर ओल्ड स्लीपर्स ढूंढते रहते हैं लेकिन उनके साइज से कोई स्लीपर नहीं मिलती है। तब रेडू बोलती है कि मैं जब आई थी तो मैंने डोर पर देखी थी कि बड़ी सी ब्लैक कलर की थोड़ी खराब हो गई थी, ऐसी चप्पल उसकी वहां पर जिनके पैर में फिट भी हो जाए। तो बच्चे जहाँ कर देखते हैं वो स्लीपर्स और देखते हैं तो वो उसके पैरों में फिट आ सकती है, तो बच्चे वहां से वो स्लीपर उठाकर ले आते हैं। देन ले आते हैं और फिर उसको जो बैगर रहता है उससे दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी की क्लास खत्म होती है म्यूजिक की, तो वो क्लास से बाहर आते हैं और उनकी स्लीपर्स ढूंढ रहे होते हैं, तब तक मेरी स्लीपर्स कहाँ चली गई, सबसे पूछते हैं उनकी मम्मा वगैरह सब घर में स्लीपर्स ढूंढ रहे होते हैं। और बच्चे घर के बैक साइड में बैठे हुए होते हैं आराम से, पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए होंगे और इतनी शांति से बैठे हैं वो जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो उनकी मम्मा बड़ा हुआ चाहता है कि आज इतनी शांति से कैसे बैठे हुए हैं।
यूं तो दिन भर बस मस्ती मस्ती करते रहते, कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन आज ही अगर इतनी चुपचाप बैठे थे, इन्होंने कुछ तो किया। तो उनकी मम्मा जाती है और उनसे पूछती है, तो वो बोलते हैं कि उसके पास चप्पल नहीं थी, तो हमने उसे वो स्लीपर्स दे दिए, क्योंकि उसके पैरों में छाले भी हो गए थे और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने वो स्लीपर्स उन्हें दे दिए। तो जब मास्टर से मिलते हैं, वो बहुत गुस्सा होते थे, मेरी न्यू की न्यू स्लीपर थी, तुमने ऐसे कैसे दे दी, बहुत महंगी थी वो, अभी तो कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे उससे लाए थे, और बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते रहते उससे ना कुछ। फिर उसकी मम्मा जो रहती है वो जाती है अंदर, और अंकल की जो स्लीपर्स रहती है वो लेकर आ जाती है, और वो स्लीपर मास्टर जी को दे देती है। मास्टर जी क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छी मेरे को तो न्यू स्लीपर मिल गई है, और वो स्लीपर लेकर चले जाते हैं। फिर अंदर जाकर उसकी मम्मा सोचती है, मैंने ये स्लीपर तो दे दी, लेकिन अगर मैं शाम को इसके पापा आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी कि कहां थी स्लीपर, फिर वो भी गुस्सा करेंगे। तो इस तरीके से स्टोरी में यही सब होता है। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि क्या हो गया ये, हम तो कुछ अच्छा करना चाहते थे, कि उस बैगर के पास चप्पल नहीं थी और उसके पैर भी जल रहे थे, इसलिए हमने उसे स्लीपर दे दी, लेकिन सबके हमें डांट खाना पड़ी और अभी मम्मा को भी डांट खाना पड़ेगी और मास्टर से भी गुस्सा हो गए, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने गलत किया क्या। तो क्या होता है कि हमें कुछ भी अगर करना है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अच्छा करने की सोचते हैं, कि हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई पुअर पर्सन है या कोई भी है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, करना चाहिए। बट क्या होता है, हमें हेल्प ऐसी करना है, हमें सोचकर करना है, कोई सारे काम हमें हेल्प ऐसी करना है कि बाद में किसी और का लॉस नहीं हो। उन्होंने क्या करा, स्लीपर बैगर को देख तो दी, बैगर को तो प्रॉफिट हुआ उसको, तो ठीक है उसके पैरों में चोट भी नहीं लगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मास्टर जी रहते हैं उनका तो लॉस ही जाता है, वो कितना गुस्सा होते हैं। इसलिए हमें कोई सा भी काम करने से पहले उसके आगे पीछे का सब तक का सोचना चाहिए कि हम ये करेंगे तो इससे किसी का लॉस तो नहीं होगा। ये स्टोरी यही खत्म होती है।